जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई रविंदर चोटीवाला। देखिए, आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स ज्यादा चल रही हैं, लेकिन उल्टी सीधी ज्यादा चल रही हैं फेसबुक पे भी। और आजकल कॉमेडी देखना हर एक आदमी पसंद करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त है। लेकिन उसके साथ साथ कॉमेडी देख लेते तो मन हरा हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन इस प्रकार के देखिए, देश का युवा इन्हें फॉलो करके जीवन बर्बाद कर रहा है, या यूं कह दें अपने आप को बर्बाद कर रहा है। ठीक, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा, ये रियल बात है। जो जैसा देखेगा वैसा ही वो सोचेगा, और काम करने की और अनेक प्रकार की जो समस्या है उनका सामना उन्हें करना पड़ेगा, और जो प्यास है वो जागेगी अगर आजकल के युवा। और देखिए, ये भी लोगों को अपने भविष्य के चक्कर में दूसरे का भविष्य बेकार कर देते हैं। चलो कोई नहीं, अगले पेज पे बात करते हैं। ये मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री हैं, ये मोदी जी हैं, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। जब हम पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे तो देखिए, एक पढ़े लिखे आदमी की यानी कि आईएएस ऑफिसर की कितनी पावर होती है कि मोदी जी खड़े हैं और ये डीएम साहब बैठे हैं। ये तो अभी वर्तमान का है, पुराना देखिए। मोदी जी अपनी जीवन के बारे में बता रहे कि कितनी हमारी कमाई है, कितना हमने कमाया, कितना हमारा बैंक बैलेंस है, और ये आईएएस ऑफिसर हैं जो बैठे हैं। ये एक आईएएस ऑफिसर है, ये पढ़ाई की मार होती है। तो युवा किस ओर भाग रहा है? अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। पढ़ाई करे, ये ज्ञान बाधक चीज देखें तो उन्हें ज्ञान मिले, लेकिन आजकल का युवा कहाँ भाग रहा है? अलग की ओर भाग रहे हैं, पढ़ाई की ओर नहीं भाग रहे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।